जिसको जिस मणिपुर को मैथिली की वजह से जाना जाता है, जो शांति प्रिय समुदाय से आता है, जिस मैथिली ने कभी मतलब किसी पर अत्याचार नहीं किया, उसको चुन चुन के क्यों मारा जा रहा है। कुकी का एक चर्च जलाया गया था, उस कुकी के चर्च जलने पर अमेरिका में अमेरिकन मतलब न्यूज में छपने लगा, अमेरिकन सांसद को इस पर आंसू आने लगा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजश्री है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। लेकिन आपके पीछे जो बैनर है सिर्फ मणिपुर, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन मणिपुर, क्या मकसद है? जंतर मंतर पहुँची है। जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है और हमारा बॉर्डर राज्य है मणिपुर, और वहाँ पे जिस तरीके से एक तरीके एक कम्युनिटी मैथी जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उन पर अत्याचार लगातार किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत गलत है। और मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, इसमें अभी तक बहुत ठोस लेवल पे पहल नहीं होना सरकार के द्वारा, ये उससे भी ज़्यादा निंदनीय बात है। लेकिन अक्सर आपने कहा कि मैतेई जो हिंदू है, लेकिन अक्सर जो है कभी कहा जाता है 85% सब हिंदू है, वो कुकी भी तो हिंदू हुए। अगर कुकी हिंदू हैं तो अलग स्टेट की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर कुकी हिंदू हैं तो मैथिली को क्यों मार रहे हैं? क्यों वहाँ पे सांस्कृतिक लड़ाई छेड़ी जा रही है? लेकिन दोनों तो भारत के हिस्से हैं। दोनों भारत के हिस्से हैं। हम कश्मीर पे बात करें, इसका एक मैं एग्जांपल कनेक्ट करते हुए देना चाहूँगी कश्मीर पे, ठीक है। हिंदुओं को पलायन करवा के जम्मू भेज दिया गया, कश्मीर को मुस्लिमों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया और कश्मीर के फ्रीडम की मांग उठने लगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उनको फ्रीडम के लिए छोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पे जो अराजक तत्व बैठे थे, उस अराजक तत्व के द्वारा जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी घटनाओं को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से वहाँ पे भारत सरकार पे दबाव डालने की कोशिश की गई कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, आज सेम घटना मणिपुर में की जा रही है। अगर कुकी इस देश के नागरिक हैं और कुकी सच में राष्ट्र के लिए राष्ट्र से के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं, ठीक है, तो फिर वो राष्ट्र के मतलब भारत में रहते हुए एक विधान एक संविधान का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो अलग से एक फ्लैग की मांग क्यों कर रहे हैं? भारतीय आर्मी के रहते हुए एक अलग से अपना मिलिटेंट गैंग क्यों बना रहे हैं? वो चुन चुन कर वहाँ के मूल निवासी जिस मणिपुर को मैथिली की वजह से जाना जाता है, जो शांति प्रिय समुदाय से आता है, जिस मैथिली ने कभी मतलब किसी पर अत्याचार नहीं किया, उसको चुन चुन के क्यों मारा जा रहा है? आप वहाँ के आदिवासियों को आप मुस्लिम से तुलना करते हैं और आप जी नहीं, मैं वहाँ के आदिवासियों का मुस्लिम से तुलना नहीं कर रही हूँ। मैं वहाँ के अराजक तत्वों को बताना चाहती हूँ कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए भारत सरकार के द्वारा जैसा उन्होंने कश्मीर के अराजक तत्वों के साथ किया, जैसा यासीन मलिक के साथ किया, वहाँ पर वैसी ही आधार पर दे रहे हैं। एक देश एक विधान में आप अलग फ्लैग की मांग करने तो राष्ट्र विरोधी नहीं है तो क्या है? आप बताइए। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से समाज जो है समाज जिस तरीके से मैत्री पर बर्बरता की जा रही है, जिस तरीके से मैत्री पर बर्बरता की जा रही है, वास्तव में वो निंदनीय है। क्योंकि तो कंटिन्यू हमारे मंदिरों को जला रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। उल्टी हमारी मतलब ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि खुद ही मारो, खुद ही प्रोपगेंडा फैलाओ और खुद ही कोर्ट में पहुंच जाओ, खुद ही रोना रोने लगो कि हमारे साथ गलत हो गया, खुद ही मतलब खुद ही सब कुछ सारा वो कर लो, खुद ही मतलब फाइटर भी बन जाओ, खुद ही विक्टिम बन जाओ। बेचारी मैथी को तो मंच तक नहीं दिया गया बातचीत रखने के लिए। अभी तक मैथी का जो बात है कहिएगा तो भारत के कोने कोने तक पहुंचा तक नहीं, अभी तक लोग जान नहीं रहे कि मैथी के साथ मणिपुर में क्या हो रहा है। लेकिन आखिर जो है करीब 18 महीने से ज़्यादा होगा, 20 महीने के आसपास होगी, केंद्र सरकार क्या कर रही है? कहा जाता है इस सरकार में तो दावे किए जा रहे हैं कि शांति बहाल की जा रही है। हम मानते हैं कि निसंदेह कि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बातचीत कर रही है, वो जो करने की कोशिश कर रही है, वो शायद वो सफल भी हो रहे हो इस चीज़ के लिए। लेकिन जो वहाँ की मतलब कहिएगा तो एकदम जो तुरंत की जो मांगे उस पर सरकार खड़ी नहीं उतर पा रही है। प्रधानमंत्री जी को खुद वहाँ दौरा करके देखना चाहिए कि वहाँ की व्यवस्थाएँ किस तरीके से अराजक तत्वों के हाथ में चली गई है, उसको मुक्त करवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सच में फेल हो चुकी है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके वहाँ की व्यवस्थाओं को यथाशीघ्र ठीक करना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है नफरत का, ये कुकी और कुकी समाज हो गया, ये नफरत का मामला नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवादी का मामला है। वहाँ पे राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोह के बीच में वार्तालाप हो रही है।
ऐसा पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नफरत हो रहा है, कभी बहराइच में दंगा आपने देखा, नफरत है, आखिर जो देश इससे टूट रहा है उसको कंट्रोल करने की जाए। एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहूंगी, इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको याद है कुकी का एक चर्च जलाया गया था, कुकी का एक चर्च जलाया गया था, उस कुकी के चर्च जलने पर अमेरिका में अमेरिकन मतलब न्यूज में छपने लगा, अमेरिकन सांसद को इस पे आंसू आने लगा, जब कुकी ने उससे पहले हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया, कुकी ने हम पे अत्याचार किया, तब तो कोई सांसद के आंख से आंसू नहीं गिरा, तब तो कोई ह्यूमन राइट वाले आगे नहीं आए, किसी ह्यूमन राइट ने ये बात नहीं कही कि मैथी के साथ गलत हो रहा है। आज उनको याद